हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग वैलेंटाइन्स डे लुक करने वाले हैं। सो मुझे उससे पहले ना थोड़ा सा कुछ बात शेयर करना है कि जनरली क्या होता है ना, कभी कभी कि जब हम लोग मेकअप करते हैं या फिर आई शेडो लगा देते हैं तो जब हम बाहर जाते हैं तो वो ना ज्यादा ना पैची होने लग जाता है, और एल्स कभी कभी ना कैमरा में वैसा नहीं आता। जनरली हम सबने ये प्रॉब्लम फेस किया है कि जैसा हमने मेकअप किया है वैसा हम कैमरा में नहीं दिखते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। ठीक है, सो अभी बिकॉज इट्स अ वैलेंटाइन्स लुक, सो ऑब्वियसली आप बाहर जाओगे या फिर आप यू नो कहीं हैंग आउट करोगे, कहीं चिल करोगे, जो भी व्हाट्स एवर आपके जो भी प्लान्स हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि ये जो है एकदम बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, एंड मैं आपको एक ऐसा मेकअप बताने वाली हूँ जो आपका फेस पॉप आउट कर दे। ठीक है, आप कोई भी आउटफिट आप पहनते हो, कोई भी आउटफिट आप पहन लो ये वैलेंटाइन डे के लिए, एंड वो जो आपका फेस है, जो भी आपका लुक है, वो सबके साथ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्लासी है। देन लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट। बिफोर दैट मैंने एक और क्यूट चीज खरीद ली है जो कि मिनीसो से है। एक जेरी का मिरर है जो कि बहुत क्यूट है, इसलिए मैंने खरीदा इसको। ओ नाइस। बिफोर गोइंग टू मेकअप मैंने अपना स्किन जो है ऑलरेडी प्रेप कर लिया है मेरे स्किन केयर रूटीन से। नाउ आई विल बी टेकिंग माय मेबलिन का फाउंडेशन, एंड ये जो लुक है ना ये करने में मुझे सिर्फ 10 मिनट ज्यादा, तो मेबी मैं बोल रही हूँ इससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने ज्यादा पंप नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एक पंप लिया है। ठीक है, इफ इट्स विजिबल इन द वीडियो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपना वही आपको चाहिए तो आप पूरा वो बेस मेकअप का सीरीज है ना, मैंने हर एक स्टेप जो है कम्प्लीटली इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। सो यू कैन कम्प्लीटली गो टू द सीरीज एंड आप देख सकते हो कि क्या पर्पस है मेकअप का। ये मेरा स्किन केयर ही है, मैंने अभी तक कुछ लगाया नहीं है। सो आई एम मिक्सिंग नाउ माय फाउंडेशन। ओके, ये लाया तो यूज कर लेती हूँ, मैं दिख रही हूँ ना, दिख रही हूँ। माल नहीं आना चाहिए कभी भी मेकअप लगाते हो। ओह, यूजफुल है, मतलब पहली क्यूट चीज जो मेरी यूजफुल है। थैंक्स लास्ट वीडियो को इतना थैंक्स, मुझे लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। ज्यादा नहीं लगाना है, वी ऑलरेडी नो। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज आवर पर्पस। मिनिमल इज द बेस्ट एक्सेसरी यू कैन एवर, बेस्ट एक्सेसरी यू कैन वेयर एवर, क्या कुछ भी बोलते यार। अब ठीक है, नेक पे भी लगा लो बिकॉज ये मैच होना चाहिए, नहीं तो क्लियरली विजिबल होगा कि आप कुछ और बन के आए हो। ठीक है, सो इंश्योर ना कि आप अपने नेक एरिया पे भी लगा लो। ठीक है, अभी इतना बचा है मेरे हाथ पे, सो हम लोग नेक एरिया पे यूज करेंगे। ये लुक करने को सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम ना हम जनरली करने लगते हैं कि हम ना ज्यादा ही डैप कर देते हैं, ज्यादा ही ब्लेंड कर देते हैं, तो ना प्रोडक्ट्स बाहर आ जाते हैं। ये मैं फाउंडेशन इसलिए लगा रही ताकि मुझे ना एक इवन बेस चाहिए। ठीक है, कैन यू सी मेरा ब्लैक वाला ब्लेंडर घूम गया, जो भी जो मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, इफ शी इज वॉचिंग द वीडियो पता होगा। आई एम यूजिंग दैट वन ओनली बिकॉज अच्छा था, ये सब फीचर्स बताने रहते हैं। फटाफट ब्लेंड कर लेते, बात कर लेते। कितना भी करके जाओगे ना आप ग्लो देख सकते हो मेरे फेस पे, जो यू नो एक ग्लो आ रहा है इधर ना, थोड़ा सा मुझे प्रोडक्ट्स ही रहेगा। ठीक है, मेरा यूजफुल है बट मैं ना थक जाती हूँ, जैसे मैं कभी कभी ना फोन पकड़ते पकड़ते भी थक जाती हूँ, तो जो मैंने ट्राईपॉड लिया है वो कभी कभी उसके काम आ जाता है मुझे। फोन ना भारी है। हाँ, मैं और मैंने आज जर्सी पहना है बट मैं चेंज कर दी क्योंकि वैलेंटाइन डे लुक है। मैं तो वैसे मेरा कोई वैलेंटाइन है नहीं, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, पर अगर आप लोग का प्लान है फिर गोइंग समय आप मिडिल क्लास लोग जब वीडियो शूट करते तो उनकी अलग ही प्रॉब्लम होती है, तो मेरा फोन भर जाता है, स्टोरेज स्पेस जो है खत्म हो जाता है, तो कुछ वीडियो एडिट करके देना है यू नो स्टार्ट शूटिंग दूसरा वीडियो। ये कम्प्लीटली ब्लेंड हो चुका है, कैन यू सी। ठीक है, मेरा नेक अभी थोड़ा अलग लग रहा है बिकॉज़ आपके लाइट नहीं फॉलो रहा है, बट इट्स डन। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट स्टेप इज आवर कंसीलर. हम कंसील करेंगे. एज रिमाइंड है, बहुत अच्छा कंसीलर है. बट ये जो फिनिश होगा ना, मे बी आई विल बी ट्राइंग समथिंग एल्स. बहुत चला, और ये इतना सही है ना कि अगर आपको कोई भी एरिया लाइट दिखानी है. वैसे नहीं, मैंने आपको हर एक स्टेप डिटेल में बताया. तो अभी अगर आप यहाँ पे हो, मुझे लाफिंग लाइंस आती है, उसे थोड़ा मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है. और मुझे ना ये एरिया थोड़ा लाइट चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया. एंड जनरली पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, जब हम कोई ना ऐसे मेकअप वीडियो देखते हैं, ठीक है, ना ऐसे ना कोई लुक देखते हैं, तो अभी जैसे देखते हैं कि अभी आई शेडो भी लगा रही, कितना मगज मारी. आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? ठीक है, तो ये इसमें हम लोग ना सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं. इसको मैं थोड़ा देर रहने लूंगी ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए. बहुत कम चीज लगानी है, 10 मिनट में रेडी हो जाती है. बट बिकॉज मैं बोल रही हूँ इसे, मेरे को ये वीडियो लंबा रहेगा, बट आई थिंक दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. मैं ना ये क्या कर रही, मैंने ना अपने ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको मैं गीला कर रही हूँ, स्क्वीज कर रही हूँ. वाह, ऐसे अगर बाहर गए तो वैलेंटाइन्स डे के दिन कल जा सकते हैं, ऐसे खुद ही भाग जाएगा वो. अरे यार, चलो स्टार्ट करते, ठीक है. ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है, मुझे खुद को देख के हंसी आ रही है जेन्युइनली. लेट्स स्टार्ट. दिखता है, दिख तो रहा होगा ना, पता चला पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके कुछ नहीं आया. लेट्स, बहुत बहुत बोल मत ज्यादा, ठीक है. हम लोगों ने अपने घर पे इतना लाइट लगाया, ठीक है, ये घर में. और अब लाइट का प्रॉब्लम है, जहाँ चाहिए वहाँ लाइट नहीं लगा, मतलब यहाँ पे लाइट नहीं आती. मुझे एक्चुअली दोपहर को वीडियो शूट करना था, बट आई एम फीलिंग लो, ये सब नहीं बनाता. आई डोंट नो, मेरा स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है, आई थिंक कॉन्शियस. अच्छा, मैंने आग पे इसलिए लगाया है बिकॉज हमें ना कभी कभी आंखों के ऊपर भी, बिकॉज हम लोग कुछ ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा नहीं जाने वाले, बहुत ही मिनिमल रखना है, ताकि सब आउटफिट पे जो आपका फेस पॉप आउट हो, कोई भी कलर पहन लो, तो इसलिए आंख के ऊपर से लगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका आंख और ये वाले जो एरिया रहती है बहुत डार्क होती है, या फिर आपकी आंख अलग दिखती है, आंख छोटी होती है, तो ये जब आप करोगे ना आपकी आंख अलग से बाहर उठ के आएगी. ओके, सो दैट्स वाई वी डू दिस. मैंने जो सीखा है, जो समझा है, वही कन्वे करती हूँ. सो होप आप लोग को पसंद आता है. आई थिंक ये वीडियो मैं कट करूंगी. लेट्स स्टार्ट. ये वाला पार्ट थोड़ा सा ना कर लेते हैं, ये तो मैं कैमरे में भी कर सकती हूँ. कैन यू सी द लाइट इफेक्ट? ये सब सेटल हो जाता है, डोंट वरी, इज ना सब सेटल हो जाता है सब कुछ. आई बी स्टार्टिंग विद दिस पार्ट. आंख के ऊपर अगर लगाना है ना, तो कभी भी गाढ़ा कंसीलर रखना. अगर आप ना थिन कंसिस्टेंसी वाला कंसीलर रखोगे ना, तो फॉल ऑफ होता है, क्योंकि ये मैंने सीखा है करना. ये मुझे समझ में आया, मतलब ज्यादा मीन्स गाढ़ी कंसिस्टेंसी, थिक कंसिस्टेंसी वाला अगर आप कंसीलर लगाओगे ना, तो फॉल ऑफ नहीं होता है. तो ये सब एरिया में ना आपको थिक कंसिस्टेंसी चाहिए. मैं ज्यादा नहीं कर रही कलर ग्रेडिंग, ये सब नहीं कर रही. अपने को अपना बेस इवन चाहिए, ताकि भूत ना लगे, कैमरा फ्रेंडली भी हो, बाहर के जाने का भी फ्रेंडली हो, एवरीथिंग. इससे मेरा क्या हो गया, ना फेस लिफ्ट होगा. मुझे तो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर लग रहा है ड्राई. मेरा बस चल रहा, मैं वीडियो ऐसे ही पोस्ट कर दू, बट एडिट करना पड़ेगा. या एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा आई वॉज स्केप्टिकल कि मुझे ना ये वीडियो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आई वॉज नॉट फीलिंग गुड टूडे, बट ये ना ब्लेंड हो गया, ज्यादा ब्लेंड नहीं करना, हम सेट कर देंगे, ठीक है. हल्के हल्के हाथ से मारना नहीं अपने आंख को, आंख अंदर नहीं देनी है. फिर वैलेंटाइन डे के दिन जाओगे तो पार्टनर बोलेगा आंख कहाँ गई, ये फनी जरा भी नहीं था. बट आई शुड ट्राई कॉमेडी. एक्चुअली ये है, ठीक है, क्यूट है. आप देख रहे हो कि ना मेरा जो स्किन है कैसे इवन हो गया. मैं भले भी आपको ना भूत लग रही हूँ, एकदम व्हाइट नहीं लग रही, मेरा फेस इवन हो गया ना, तो जब भी कोई भी चीज प्लेन हो जाती है तो कैसी दिखती है, वो ही होती है. अब हम ना खाली अच्छे से सब चीज ब्लेंड कर लेते हैं. ब्लेंडिंग भाई, गेम ब्लेंडिंग का ही है ये सब में ना, गेम इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, कि कैसे ना आपका जो प्रोडक्ट है पूरा अच्छे से जाता है कि नहीं. इसको अच्छे से आप लोग ना ब्लेंड कर लो. कितने दिन भी रहो, नहीं निकलती है, गारंटी है.
ठीक है. अभी क्या करना है ना, वही प्रोडक्ट यूज किया अपन ने, फाउंडेशन यूज किया है और हमने कंसीलर यूज किया है. ओके, अब क्या करना है ना, बेसिक मिनिमल चीजें रखनी है. अभी हमें करनी है सेट, ये ना सेट करनी है. क्यों सेट करनी है, अगर गलती से आपने सब कुछ ना चीजें ब्लेंड नहीं किया अच्छे से, ताकि ना ग्रीजी ना दिखे अपना. ये मैंने ना लूज पाउडर लिया है, आपको चाहिए तो आप एक अल्टरनेटिव देख सकते हो. मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है बेग लूज पाउडर्स एंड इसके अल्टरनेटिव क्या है, वो भी आप यूज कर सकते हो. अभी मैंने ये मुझे ट्राई करना था, इसमें मैंने ले लिया, इट्स फैंटास्टिक, ट्रस्ट मी. तो ये क्या करेगा ना, ये आपकी चीज, ये जो जितना भी क्रीम ये सब लगा ना, लॉक कर देगा, ज्यादा देर तक आपका मेकअप रहेगा. सो ये मैं सजेस्ट करूंगी ना, आपकी आप ना आईज पे भी लगा लो, बहुत अच्छा एकदम मैटी लुक देगा. ठीक है, इसलिए मैं ये लगा गई. अभी तक हमने कुछ ना रॉकेट साइंस जैसा कुछ काम नहीं किया, बहुत बेसिक है, ठीक है ना. और अगर ये नहीं है, कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले लो, इनाफ, वही बात हो गई. ठीक है, आपके पास अगर कोई ना कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, उससे ना आप अपने इसको लॉक कर लो. इससे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका मैट, चीज हो जाएगी लॉक, पसीना होता है तो नहीं आएगा. सो जब भी आपने ऐसे ना फुल फेस अगर मेकअप किया, पसीना आती है उसको मैंने जेंडर भी बता दिया, पसीना आता है, सो डू दिस. ठीक है, अभी ना आपके पास आई शैडो पैलेट है, कुछ भी ऐसे रहेगा, डरो मत, कुछ भी बड़ा चीज नहीं लगा रही, कुछ भी डिफिकल्ट चीज नहीं लगा रही. अब देखो ध्यान से देखना, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना, अपने को कैसे अच्छा दिखना है बिना मेहनत किए. ठीक है, सो आपके आई शैडो में, मोस्टली हर एक आई शैडो में कुछ ऐसी चीजें होती है ना, कलर होती है, जो आप लगाओगे ना वो आपके एकदम बहुत स्किन टोन जितनी होती है, बहुत स्किन के शेड की होती है. ठीक है, जो कैमोफ्लाज हो जाए. अभी अब हमने सेटिंग कर लिया, कंसील कर लिया, आंख ऑलरेडी थोड़ी सी पॉप आउट हुई है, थोड़ा ना अपन इसको थोड़ा कुछ कलर डालते हैं. जिससे क्या, अगर आपकी आईज छोटी है, अगर आप हुडेड आईज हो, ठीक है, अगर आपकी हुडेड आईज है तो बहुत काम आएगा. ठीक है, तो कोई ऐसा कलर, कोई डार्क कलर मत लेना, बिगेस्ट मिस्टेक, नो, फर्स्ट टाइम लगा रहे हो, डार्क कलर मत लेना, कोई भी ना स्किन जैसा कलर. अभी देखो मेरे केस में, मेरे पास ये कलर है, दिख रही है, स्किन जैसे लगाऊंगी पता भी नहीं चलेगा. ये मैं ऑल्सो सेटिंग के लिए यूज करती हूँ, अगर मैंने कंसीलर लगा लिया. दूसरा मेरे पास ना थोड़ा सा ये वाला शेड है, ये शेड तो भाई माई बाप है, ऐसा शेड है. ठीक है, तो अभी ये या ये शेड से आपको कोई एक शेड पैक करना है, तो मैं क्या करूंगी ना, मुझे ज्यादा ये नहीं लगना कि मैंने बहुत मेहनत की अपने फेस पे, तो मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ. ये वाला शेड है जो मेरे स्किन के साथ एकदम चला जाएगा. ओके, तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्रश उठा लो. ठीक है, कोई भी ब्रश उठा लो. मेरी तो सारी ब्रश ही गंदी हुई है, ऐसी लग रही है. ठीक है, ब्रश लिया मैंने आपको इफेक्ट बताती हूँ, आपको समझ क्या बोल रहे. एकदम ना ब्रश को एकदम पीछे पकड़ लो, फेदर जैसा अपने को ब्लेंड करना है, और ऐसे ही ब्लेंड करना, ऐसे ऐसे मत करना कभी भी, बहुत गलत हो जाएगी बात. हमें ऐसा ब्लेंड करना, ये कलर पता भी नहीं चलेगा कि आग पे लगा है. क्या मेरा आग देख सकते हो, ऐसा कलर ना हर एक पैलेट या फिर उसमें रहता है, बहुत ही सटल कर देगा सब चीज. अब ये आग देखो थोड़ा इवन लगो, वैसा कलर है. इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आई थिंक आई एम जस्ट टारगेटिंग बिगनर पीपल, एंड परसों वैलेंटाइन डे है, सो सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे. ठीक है, होप यू फील हैप्पी टुडे. डन, कुछ नहीं, आईब्रो कर लेते हैं मेन, तो वही, इसका भी मैंने ट्यूटोरियल डाल के रखा है. कोई भी है, किसी से भी आप लगा सकते हो आई शैडो. मिरर लेना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्टी होती है, गलती हो गई, टेंशन नहीं. अपन ने वो वीडियो देखा ना जो मेरे चैनल पे है, गाना खाने का मन कर रहा है बट कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा. अच्छा देखो, आईब्रो ऐसा करना, कोई शेप नहीं देना अपने को, फिल करना है. ठीक है, गड़बड़ हुआ कोई नहीं, बहुत सारे ट्रिक है ठीक करने के लिए एक बार एटलीस्ट. ग
करना थोड़ा सा, अब देखना जादू। देखो मेरा चेहरा ऐसे पॉप आउट हो गया, मैं वो लग रही हूँ क्या? सी देख सकें, तो अगर आपको कुछ करना है बहुत बेसिक लग रहा है, बहुत लग रहा है कि नहीं यार कुछ थोड़ा तो मैं लगा लूं, तो ना कोई भी ग्लिटर चूज कर लो, आई शेडो में से ले लो या कोई लिक्विड ग्लिटर, लिक्विड गटर बोल देती, लिक्विड ग्लिटर ले लो। तो मेरे पास यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ना लिक्विड ग्लिटर है, तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, ये ऐसा है मेटालिक ग्लिटर है, पिंक शेड में है, बट मेरे को ज्यादा नहीं लगाना है, ये ऑप्शनल अगर आपको चाहिए कि यू नो यू नीड अ ग्लिटर। ठीक है, मैंने ना अपने हाथ में ना थोड़ा सा ग्लिटर लिया, ठीक है, मैंने ना ऐसे लगा लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, फटाक से ना इसको मिला लूंगी, फटाक से ना मैंने ना स्प्रेड कर देना, ठीक है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ऑप्शन स्टेप था, नहीं जरूरी है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैंने इसको कर दिया था जबकि शेड पिंक था। अब क्योंकि थोड़ा सा कैनवस हो गया है, एकदम व्हाइट 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 लग रहा होगा या फिर जो भी एकदम फाउंडेशन लग रहा होगा, थोड़ा इसको अपने को मिक्स करना पड़ेगा किसी चीज से। तो मैंने ना यहाँ पे एक ब्लश पैलेट लिया स्विस ब्यूटी का, लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव है, तो अपने को बहुत लाइट जाना है, बहुत लाइट, एकदम कुछ अलग नहीं दिखना है, ठीक है। तो ये ना मैं यहाँ पे ये वाला शेड और ये शेड, ठीक है, ये शेड और ये शेड मिक्स करूंगी ताकि ज्यादा पिंक भी ना लगे, ज्यादा ब्राउन भी ना लगे, ठीक है। तो फटाफट ब्लश, सिर्फ ब्लश, एकदम अपने को नेचुरल दिखना है, पूरी व्हाइट व्हाइट तो अपने को दिखनी नहीं, थोड़ा सा ना ब्लश लगा लो, अब मैं थोड़ा सा ना वही शेड्स ले रही हूं, ऐसे से ब्लश लगा। मैंने ना अब क्या कर रहे हैं, मैं अब क्या कर रही हूँ ना, ये जो मेरा जो भी ब्राउन शेड है ना, थोड़ा जो मेरे एजेस है ना उसको ये लगा ले रही हूँ, क्लोज, वी आर ऑलमोस्ट डन, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ बेस सही किया है, लाइनर लगा रहे हैं, लाइनर हुडेड आईज मत लगाना, जो लाइनर यूज करी वो लैक्मे का है, और लेट्स स्टार्ट, हुडेड आईज है, आप छोटी मत लगाओ, इतना बस है, जो मैं ये स्टेप आप स्किप कर लो, ठीक है। दिख रहा है क्या, कैसे लगा रही हूँ, ठीक है, जो भी पहले पतला लगाओ, ठीक है, क्योंकि बाद में वो साइड कैसे आना वाली ना आएगी, लुक जैसे सब लाइनर थोड़ा सा ना बहुत ही डिफिकल्ट टाइटर ये है, लेकिन स्पॉइलर होगा, एंड ऐसे लाइनर लगाना इज वेरी अनकम्फर्टेबल। So I'm now going a bit wing. Okay, मैं दूसरी साइड भी करके आती हूँ।
तो मैंने अपना लाइनर लगा लिया है. ये मैंने एक विंग लाइनर किया है, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू शो इट यू. बहुत मिनिमल लग रहा है. मैंने लाइनर लगा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ग्लिटर लगाया है. हुडेड आईज है तो मत करना. एंड स्टार्ट विथ पतला देन वो मोटा. ओके ठीक है, ये मैंने कर लिया ऑलरेडी. ब्लश भी काफी मिनिमल लगाया है. अब ना एक ट्रिक है काजल. अभी मुझे ना काजल लगाना बहुत पसंद है. आइदर यू वॉन्ट यू कैन गो व्हाइट और यू कैन गो स्किन कलर. व्हाइट समटाइम्स इट डजंट फिट यू, समटाइम्स यू नो इट जस्ट डजंट गो हैंड इन हैंड, बट आई विल बी गोइंग स्किन कलर. ठीक है, क्योंकि मेरी आंख बड़ी लगेगी. आंख थोड़ी बड़ी दिखती है और अच्छी दिखती है. काजल ब्लैक लाइनर लगाया, व्हाइट जाना या तो स्किन कलर जाना. ठीक है, ये हो गया. अब एक छोटा सा ट्रिक है. अभी ट्रिक क्या है ना, मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे ना अपनी आंखों को पॉप आउट करना है. ठीक है, मैं क्या करने वाली हूँ ना, बहुत सही चीज करने वाली हूँ और आप लोग ना खुश हो जाओगे देखिए. ओके, मैंने ना ये वाला ब्राउन शेड लिया है, इसको मैं अपने वाटर लाइन पे लगाऊंगी. अब आप देखना गेम कैसे पलटता है. बताओ मैं वैलेंटाइन लुक कर रही हूँ. हाँ, अपने वाटर लाइन पे लगा लो. ठीक है, जस्ट ऐसे. लुक एट द डिफरेंस. आई डू दिस ट्रिक फर्स्ट में. आई डू दिस ट्रिक एंड दिस इज माई गो टू ट्रिक. थोड़ा सा दिया, इधर भी लगाया. ठीक है, अब ना इसमें ना मेरे पास एक ना थोड़ा सा ना येलो शेड है, इसको मैंने ऐसे से डैप किया. कितना सही दिख रहा है ना. थोड़ा ना मिक्स कर लो आगे से, स्टार्टिंग से देख लो. हल्के हल्के हाथ से, सिर्फ आगे के साइड, आपकी आईज के सेंटर है उधर तक. ठीक है, कैन यू सी इट ना. अपने को आई लैश, अपनी आईज और ओपन हो, इस वजह से वी हैव टू यूज आई मस्कारा. मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हाइपर कल. मेबलिंग के बताया ना मैंने, आई थिंक जैसे पार्लर प्रोडक्ट बताया. ठीक है, कैन यू सी माई आईज, कितना सही दिख रहा है. अफोर्डेबल, यहाँ पे मैंने क्या लगा, एकदम लाइट ब्राउन शेड, लाइट है, जाना ही जाना है, कोई भी आउटफिट पहन लो. और आगे थोड़ा सा मैंने येलो शेड को लुक दे दिया. कैन यू जस्ट लुक एट दिस, आईज कैसी लग रही है, बेस कैसा लग रहा है. अभी अपन मसाला लगा लेते. मैं रात के, मतलब आयरनी देखो, मैं रात के 10 बजे रेडी हो रही हूँ और 11 बजे मैं मुंह धो लूंगी. क्या करी, इसे बचा है लिप्स. लिप्स के लिए मैं ज्यादा, अभी आप कोई भी लिपस्टिक जा सकता है क्योंकि अपना पूरा जो फेस है बहुत लाइट है. हम लोगों ने अपना वाटर लाइन हाईलाइट कर दिया. ठीक है, तो ये भी एक लुक एट द वाटर लाइन. सो आइदर यू कैन गो विद एनी लिपस्टिक, ट्रस्ट मी. बट अगर आई सजेस्ट, अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहन रहे हो, गो विद सम न्यूड शेड, पिंक या फिर ब्राउन में जाना. अगर आप लाइट पहन रहे हो, यू कैन गो विद बोल्डनेस. व्हाट आई विल डू इज आई डोंट वांट टू गो बोल्ड टुडे. आई गो विद माई लवली शेड. शुड आई गो बोल्ड, ये लाइफ का कंफ्यूजन है. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना वेयर. आई डोंट नो. ओके, लेट्स जस्ट गो पिंक. ओके, तो यहाँ पे मैं नायका का डियाना शेड 6 पे यूज कर रही हूँ. लिपस्टिक लगा लेते हैं. इसे हम यानी रेडी फॉर नथिंग. That's it. We have successfully completed our look. Successfully complete हो गया. अब क्या करते हैं ना, चेंज करके आती हूँ आपसे मिलते. सो मैंने एक व्हाइट टॉप पहन लिया है एंड दैट्स हाउ माई लुक इज. ठीक है,
ठीक है, जस्ट कंफ्यूज विद दी हेयर, मे बी आई कैन डू समथिंग. सो दैट्स माई टोटल लुक. आपने अभी तक देख लिया होगा. आई जस्ट गिव यू क्लोजर शॉट. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अमेजिंग लुक्स. एंड बताना मुझे आपके लुक कैसा लगा. बहुत मिनिमल है एंड बेसिक वन, बट येट वेरी क्लासी. इट हैज कम आउट वेरी एस्थेटिक. मिनिमल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ मगजमारी नहीं था. आई नो वीडियो लॉन्ग हो गया होगा, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो इट टू यू हाउ द एक्चुअल लुक्स कम्स आउट. मैं कैसे दिख रही थी पहले और अब मैं कैसे दिख रही हूँ. एंड ये लुक तो मुझे तो निकालना है, बट आई होप आपका वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा. आई विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे. एंड या दैट्स इट. बाय.